अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे जनरल मैथ, यानी कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ है, तो इसके इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर हैं वो शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं पहले साइंस के जो है गेस्ट पेपर वो शेयर कर चुका हूँ, और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर जो है जनरल मैथ का भी कुछ कर दें। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम जनरल मैथ के फॉलो करते हैं। और जो है डी स्टूडेंट, जनरल मैथ हम स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 1 में क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, और 2 में क्या है वो डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी वैसे चैप्टर तो आपके 10 हैं, तो जनरल साइंस जो आर्ट्स ग्रुप्स के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें जो हैं मैं हाईलाइट करके देने लगा हूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें बार बार पेपर में आने वाली हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों ने 1 जो है इसको करना है, उसके बाद आप लोगों क्वेश्चन नंबर जो है 1 ये आपने करना है। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ये ले, हाईलाइट मैंने कर दिया। उसके बाद इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने करना है वो 8 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है वो 14 है, ये वाला। इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले दोनों कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज पे हम जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है आपने करना है 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी है वो है 1.2। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 8, 9, बल्कि ये आपने करना है 9 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपने करना है 18 क्वेश्चन नंबर 18। ये ले, अंडरस्टैंड कि आपके गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, इसके जो होती है, अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो नेक्स्ट पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीन जो हैं इनके साथ हैं। ये कुछ कानून, ये चीज़ें हैं, ये जज़र के कवानीन जो हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं जो है। ठीक है, कुव्वत नुमा हो या किस तरह से हो, ये आपने याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। पहले आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 1.4 है, और इसका जो है आपने ये पहला करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट करना है। गेल, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, एक 2 वाला, ऑल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, एक जो है 6 वाला और एक 8 वाला, और एक 8 वाला ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लें, अगर अच्छे नहीं लग रहे तो फिर इसका
यही तरीकाकार है कि इस तरह से कर देते हैं। ये लें, ये लें, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके जो मल्टीपल चॉइस है ना, ये आपने लाजमी करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है, ठीक है। ये आपने नहीं छोड़ने, ये सारे के सारे करने हैं इसके मल्टीपल चॉइस। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज हैं, ये भी आपने नहीं छोड़ने, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपने करने हैं अच्छी तरह से, जो यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज होती है। कुल ये भी आप लोगों ने याद कर लेने, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, ये इसको भी याद करना है, यानी पीछे वाला जो सारा सिस्टम आपने करना है, सही है। नेक्स्ट, जूस नंबर, यूनिट नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आ गए हैं हम 2.1 में, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करना है एक, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 करना है, अंडरस्टैंड। यानी 2 क्वेश्चन इसमें से आपने करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज हमारी 2.2 आ गई है। इसमें से जो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 सॉरी, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए तजी आ जाती होती है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। ये भी आ जाता होता है अक्सर, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। क्या आने हैं? लॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर करेंगे 1, उसके बाद हम करेंगे 7, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 लॉन्ग के लिए, ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है 11 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर जो है 21 और 22, ये करेंगे, चेक कर लें किस में, 2.4 में। जूस पीना है वो भी आप पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर अफसल की तरफ से ना, 10th क्लास वाले। नेक्स्ट जी डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 आपने करना है यहाँ से। सिक्सटीन क्वेश्चन, ये ठीक हो गया जी डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। जायज़ा एक्सरसाइज नंबर 2, ये आपने खुद जायज़ा लेना है इसका, ठीक है। और दुरुस्त के जवाब सही निशाना दही करनी है, बल्कि मैंने आपको शेयर केयर भी दी थी इंग्लिश उर्दू मीडियम फाइल, ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है सारी की सारी। और इसके जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सारा के सारा बैठ के आप लोगों ने सॉल्व करना है। खुलासा दिया गया है, खुलासे के अंदर जिसकी डेफिनेशंस हैं, ये दो दर्जी मुसावात, ये सारी की सारी आप लोगों ने याद करनी। अब हम यूनिट नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। यूनिट नंबर 3 हम ये देखते हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर जो आपने देखना है, जो करना है, एक तो ये है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है आप लोगों ने, और उसके बाद जो है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1,
करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 9 और 10 करना है, ये दोनों ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 3.3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 आर्ट्स की ये मैथ चल रही है, आप लोग ये देख लीजिए, वो नो साइंस वाले कर रहे हो 3, और इसके बाद 14 एंड 15। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 4.3.4। इसका जो है पहला यानी 9 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों करना है, वो पहला है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2. आपकी 6 है, और इसमें जो आपने क्वेश्चन नंबर जो है सिर्फ एक ही करना है, 1। ठीक है, ये 16 है। जी डी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, ये आपने सारा के सारा जो है करना है, मुरूजी जो है सारी के सारी करनी है, और ये सारे के सारे जो हैं इनको सॉल्व करना है, खुलासा पढ़ लेना है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस हैं वो सारे। अब हम जो है चैप्टर जो है 4 है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी डी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 2, उसके बाद आप लोगों का जूस नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है 8 करना है आप लोगों ने, उसके बाद क्वेश्चन जो है 18, ये वाला करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लें अच्छी तरह, टाइम शॉर्ट है, 20 मिनट की वीडियो पे सारा काम करना चाह रहा हूँ। जी डी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15 करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने 6 करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देख लें इसको अच्छी तरह। नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये छोटा सा चैप्टर था और ये क्लोज़ हुआ, ये आपने सारा काम करना है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है कि रीड आउट करनी है, पढ़नी है, याद करनी है अच्छी तरह, एक भी नहीं छोड़ना। ये इसका खुलासा है, वो उसकी डेफिनेशन जो है वो भी, इसको भी रीड आउट करना है। हम जो है कि हम जो है 5वें चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। जी, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 आ गई, इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर जो है आपने 12 करना है, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। जी डी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये आपने करना, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम आर्ट्स वाले। जी डी स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने करने हैं। आर्ट्स वालों की काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई थी, और कह रहे सर हमें भी कोई गैस पेपर लगा दें, आप साइंस वालों करते हैं, ये नहीं करना, ये मेरी नज़रों में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक, मैंने सुबह फार्मूला दिया, उसके अंदर भी ये चीज़ें बताई है। ठीक है, अब 6 चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 6.1 के अंदर ये एक्सरसाइज हमने स्किप की है, एक्सरसाइज जो है वो 6.2 वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से बताते हैं। तो इसका जो है आपने डी यूज़ करना है, उसके बाद सी यूज़ करना है, और उसके बाद जो है यानी कि डी और सी यूज़ करना है, ये सारा जो है शॉर्ट के लिए है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, 6.3 पे। जी डी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जूस नंबर 2, जूस नंबर जो है आपका 4, जूस नंबर 6,
और जिस नंबर इसका टू का बी ठीक है, और इसका जो है सी, ये शॉर्ट के लिए और पेपर में आ सकते हैं, और ई ये क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट के लिए हैं और इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ जो आप लोगों ने क्वेश्चन तैयार करना है लॉन्ग में ले सकता है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक्स वाई और जी जो वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, 6.4 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 करना है आपने। उसके बाद आपने क्वेश्चन जो है 6 करना है, यानी कि ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने 12 करना है, और उसके बाद और नहीं करना कुछ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही करना है 6.4 में। जी डी स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो है आपकी 6.5 है, इसका जो क्वेश्चन जूस जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये और 4 वाला, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 3 आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लें आप अच्छी तरह। साइज 6.6 हम डिस्कस करेंगे, और इसका जूस नंबर जो है आपने 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला जूस करना है और 6 जूस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4, ग्रामर रूल, ठीक है। इसमें से आपका जूस नंबर जो है 5 करना है आप लोगों ने, और उसके बाद जूस नंबर 6 करना है। होए 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 होए, माउस क्या करना, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा सा निशान लग गया है, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपने सारी तैयार करनी है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस शॉर्ट लॉन्ग मैंने दिए हैं, मतलब सॉरी वो शेयर किए थे, लेकिन आपने वो साइंस के शेयर किए हैं, लेकिन आर्ट्स वालों ने ये मल्टीपल चॉइस जो सारे कर लेने हैं। 7वां चैप्टर जो है वो हम स्किप करेंगे, इसके हम गैस पेपर नहीं देंगे, लेकिन आपने इसकी जो लास्ट पे जो चीज़ें हैं वो रीड आउट कर लेनी है, मरूजियाँ हैं और डेफिनेशंस वगैरह हैं जो जी के 7वें की जो डेफिनेशन जा रही हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने करनी है। चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशंस वगैरह जो हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह जो है रीड आउट कर लेनी है, पढ़ लेनी है। 7 वाली की जा रही हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार पेपर में आते हैं। 8 वाला चैप्टर को हम टच करते हैं, चैप्टर जो है 8 है, इसको हम टच करेंगे। इसका सिर्फ एक ही हमने क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सी एक्सरसाइज है 8, सॉरी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है आप लोगों ने, और 13 भी करना है, मैंने देखा नहीं था, आगे भी गैस पड़ा हुआ था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसलिए जो है 21वां क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, पढ़ी अभी मुझे नज़र, और इसके बाद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 है जो, वो भी आपने करना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जा रहा था 8वां, एक्सरसाइज कौन सी वाला, एक्सरसाइज 8.1 जी, आई थिंक ये फिनिश हो गया, और इसके बाद आप लोगों ने इसका जायज़ा भी ले लेना है, पढ़ लेना है पूरी मल्टीपल चॉइस जो है वो रीड आउट इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम वाले करेंगे, ठीक है। खासे को भी रीड आउट करेंगे, इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 को हम टच करते हैं, ये क्या कहता है और इसमें क्या चीज़ आपने करनी है। एक्सरसाइज जो है 9.1 है, और जूस नंबर 1 करना है आप लोगों ने, जूस नंबर जो है आप लोगों ने 3 करना। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे। 9.2 आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर जो है 4। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3,
और क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री आपने करना। जी डियर स्टूडेंट, ये आपके जो चैप्टर कंप्लीट हुए, ये आप लोगों ने सारे के सारे जो मुर्जियाँ हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेने, पढ़ लेने हैं। कोशिश करता हूँ इसके एमसीक्यूज की फ़ाइल भी शेयर कर दूँ। ये आर्ट्स ग्रुप के लिए है, उनकी बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि सर हमें कुछ कर दें, बस आगे 10 को हमने टच नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, देख लें 20 मिनट के अंदर पूरी मैथ में आप लोगों को दिखा दी है, पूरी मैथ जो है दे दी है, और जो है कि अब आप इसको तैयार कर लें अच्छी तरह। और जैन स्टूडेंट भी और जो नॉर्मल है वो भी, वो क्या करें, नॉर्मल जो हैं वो मेरा फार्मूला लिख लें, इधर मैं बता देता हूँ, वो मल्टीपल चॉइस तैयार करें, इसकी जो बैक पे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो तैयार करें, और डेफिनेशन तैयार करें, इंशाल्लाह उनके 30 से ज़्यादा नंबर आएंगे, जिन्होंने वो बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी। और अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले तमाम किस्म की वीडियो मिल सके। आप 10th क्लास वाले बच्चे जो चैनल सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने जाना नहीं, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की भी इसी तरह से फाइलें, मल्टीरियल, लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, जो भी मल्टीरियल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेंड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।